कल जो झूठ की दीवानी कहानी लेके आई थी उससे ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें बोल दी, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए आप सबको लगता होगा कि जो झूठ की दीवानी है उनकी जो बहन है अरे मतलब इंडिपेंडेंट जी तो वही अपने सास मतलब कागजी सास कागजी नरेंद्र कागजी पति के ऊपर सवाल उठाती रहती हैं जब देखो तब ढिशिया ढिसिया ढिसियाँ निशाने पे लेती रहती हैं पर एक बात आज कल आप समझ जाइए बहुत अच्छे से है ना कि जो झूठ की दीवानी है ना इनकी जो जेठ जेठानी मतलब उस उस तरफ वाले लोग ससुराल वाले लोग जिसमें से ससुर जी मतलब फादर इन लॉ जिनकी दुकान पे जाते हैं कभी कभी पुराने डिजाइन की साड़ियाँ भी उठा के लेके आती हैं और फटी वाली जीन्स डैमेज वाली जीन्स पहन के बढ़िया बैठती हैं है ना क्योंकि यहाँ पर ना इनके यहाँ पर चुंडे मुंडे दिखाए नहीं जाते ना तो इसलिए वो ऐसा करती चुंडे मुंडे मत दिखाओ घुटने दिखाओ ये वाला सीन है फिर मैं कहूँगी मुझे किसी कपड़ों से आपत्ति नहीं है ये लोग दिखावा जो करते हैं सिर्फ आपत्ति उससे है मुझे कोई समस्या नहीं आप कुछ भी पहने आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आपके घर वाले फील करें बघा वाले करें या ना करें इससे हमें मतलब नहीं है है ना पर आप जो यहाँ पर बोलती थी लग इन सम पहन नहीं सकते हमारे घर में ये हमारे घर में वो मेरा पति बुद्धिजीवी समाज का वो मुझे ऐसे ड्रेसेस पहनने नहीं देगा और मैं बस खरीद के रखती हूँ और एक दिन जीजा जी का भी बुद्धिजीवी समाज आपको आज्ञा दे दिया कि चाहे जो पहन क्योंकि ये वही जीजा जी हैं जो पहले बोलते थे कि अगर तूने ऐसा पहना तो मैं साथ नहीं चलूँगा बस तू तो आगे चल मैं पीछे चलूँगा हाँ बाकी तो इंडिपेंडेंट है तुझे जो करना है कर याद आया दर्शकों वो आईआईटी कानपुर के लेक्चर हुआ करते थे तो अभी ये सारी चीज़ें हमें पता हैं सबको पता है लेकिन आपको क्या पता है कि इन दिनों हमार जुजी अपने जो ससुराल के लोग हैं खासकर जेठ जीट जटानी जीट उनको इस समय ना वो एक अलग तरीके से कौन सा शब्द बोलूं जिससे आप समझ सकें मतलब उनके लिए प्रेशर उत्पन्न कर रही हैं उनके लिए मापदंड स्थापित कर रही है आई थिंक आप समझ जाएंगे। आगे जो मैं बोलने वाली हूँ उससे तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे प्रेशर और मापदंड और एक लाइन ड्रॉ करना चाहती है कि देखो मैंने भी दो महीने से ज़्यादा रखा है सासू अम्मा को और मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको स्पेशल फील कराया है बाहर लेके गई हूँ उनके लिए शॉपिंग करी है कोलकाता घुमाई हूँ और हेल्पर मैंने रखे हैं तो हेल्पर तुम भी रखो अगर रख सकते हो क्योंकि रख सकते हो क्योंकि भाई साहब कमा रहे हो है ना तो हेल्पर रखो इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ और इनका हेल्थ संबंधित ध्यान दो जिस प्रकार से मैं रख रही हूँ आज मम्मी जब बोलते हैं कि ना नाना ना, मुझे मायके नहीं जाना मुझे ससुराल भी नहीं जाना मुझे तो झूठ की दीवानी के नाल ही रहना क्यों बोलते हैं भाई तीन से चार कमेंट मेरे पास ऐसे आए हैं कि ये वाकई में ऐसा दिखाना चाहती हैं ताकि जब इनकी सास वहाँ पर जाएं तो भाई झूठ की दीवानी को एडमायर करें कि हाँ एक वो भी तो मेरी बहुत ही वैसा भी नहीं कि एक हफ्ते रहे दो हफ्ते रहे हम पूरे दो महीना रह के आए हैं तब भी ना उसका बिहेवियर वैसे रहा बिल्कुल भी नहीं बदली <laughs> तो झूठ की दीवानी आजकल जो ये नई कहानी लिख रही नई भारत लिख रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जेठानी जी की समस्याओं को बढ़ाने के लिए कि तुम भी वहाँ घर में रहती हो मैं भी घर में रहती हूँ मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और मेरे पास, पास बहुत सारे काम हैं उसके बावजूद मैं मम्मियों का कितना स्पेशल तरीके से ध्यान रखती हूँ जी हाँ ताकि जब ये जाएँ वहाँ पर तो जब जाते हैं यहाँ से जब भी वो जाते हैं तब ये कॉल करके पूछती हैं ना तो होते मम्मी ऐसे कह रही थी मम्मी वैसे कह रही थी मम्मी याद कर रही थी याद आया आपको नहीं आया आया अभी कुछ दिन बाद देखना ये ज़रूर उधर जाएँगे लेकिन ना मैंने कल भी शाम को रात में जब एक वीडियो डाली थी बोला था कि ये वहाँ नहीं जाएगी ससुराल नहीं जाएगी क्योंकि सासू अम्मा ने अब समस्या बता ही दी है कि मेरी समस्या दो साल में दूर होगी और जब समस्या दूर हो जाएगी तो जैसे मैं मैं यहाँ दो महीने कुछ दिन रह कर जाती हूँ मेरी बहुरिया भी आएगी वहाँ दो महीने कुछ दिन रहेगी अरे सासू अम्मा तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही चलाके के साथ करी हैं और जान के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तारीफा करवाना सासू अम्मा को सिर्फ ये फील कराना कि सबसे ज़्यादा ध्यान तो मैं ही आपका रखती हूँ तो सासू अम्मा ज़ाहिर सी बात है हरदम झूठ की दीवानी झूठ की दीवानी ही गुनगान गाएंगी मतलब सासू अम्मा यार ये भी मुझे आजकल समझ नहीं आ रही क्यों कभी ये इमोशनल हो जाएंगी जब कुछ कुछ होता है देखेंगी तो भाई झूठ की दीवानी ससुर जी से बात कराएंगे कि ससुर जी देख लीजिए आपकी कुछ पुरानी बातों को याद कर मम्मी रो रही हैं जब आप राहुल और अंजलि के उम्र के हुआ करते थे तब की कुछ बातें याद आ गई थी अब रोना अब निकल रहा था तो ससुर जी ने भी बात करा और उस दिन इतना ज़्यादा बड़ा ढंडोरा पीटा झूठ की दीवानी ने कहा ही बताया दर्शकों ऐसा लग रहा था कि भाई झूठ की दीवानी के जैसा मतलब कोई बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता ऐसा लग रहा था कि रसिया और यूक्रेन वार रुकवा देने या फिर भाई साहब कोई देश पे विजय प्राप्त कर लेने अरे ससुर जी से बात कर ली तुमने कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी तो ऐसी वाली जो सीन उस दिन उत्पन्न करी थी तो भाई ससास जी इनकी याद करके इमोशनल भी हो जाती हैं रोती भी हैं लेकिन कहते हैं कि ना मैं ससुराल नहीं चाहूँगी हैं तो ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रहा है का इनके फैमिली में कुंबा वासियों में रिश्तेदार भी ऐसे डुअल पर्सनालिटी वाले हैं क्लियर होना चाहिए ना या तो आप वहाँ जाना चाह रही हो या तो आप झूठ की दीवानी के पास ही रहना चाह रही हो या फिर सब कुछ स्क्रिप्ट के ही हिसाब से होता है तो अगर सब कुछ स्क्रिप्ट के ही हिसाब से होता है तो भाई साहब आप लोगों की पर्सनैलिटी विचलित कर देने वाली दिख रही है ये पर्सनैलिटी से यह लग रहा है कि भाई कैसी हैं है? यार ये सही है कि ये सही है इसी प्रकार से तुमने अपनी बहन की पर्सनैलिटी को बना रखा है कभी वो अपने हस्बैंड कागजी हस्बैंड से प्यार जताती है तो कभी उसका शातिर रोपा जाता है यार उसको स्क्रिप्ट या तो तुम एकदम अच्छी वाली दे दो मतलब वो वाकई में अच्छी है उसके दिल जिगर किडनी में अपने पति के लिए प्यार जाग रहा है ससुराल वालों की भावनाओं को समझ पा रही सासू माँ से कनेक्ट कर पा रही है सासू माँ के और पति के दिल की बातें समझ पा रही है ननंद की बातों को समझ पा रही है ननंद से अब कनेक्ट कर पा रही पहले कंपेयर किया करती थी ये सारी स्क्रिप्ट देने के बाद एकदम से तुम दूसरी स्क्रिप्ट दे देती हो हैं तो उसका दूसरा रूप आ जाता है फिर कहते हैं कि नाटक करती है ड्रामा करती है ओवर एक्टिंग करती है तो भाई उसकी स्क्रिप्ट भी समझ में नहीं आ रही या फिर वाकई में ये सारे बीमारियों से पीड़ित हैं डुअल पर्सनैलिटी हैं कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और मतलब भाई साहब या तो ये स्क्रिप्ट में होता है एकता कपूर के सीरियल भी आप लोगों के आगे आगे कम है जैसे कल मम्मी जी नहीं बोल रही थी हाँ मैं तो एक्टिंग करती हूँ मेरी तो रिटायरमेंट भी हो गई मैं तो एक्टिंग करती हूँ तो मम्मी जी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है आप वाकई में सुपर डुपर एक्टिंग करती हैं और एक्टिंग करते आई हैं और आपकी देखिए आपके अंदर से ही एक्टिंग है दोनों बहनियों की आया बग्गा के तो चलो कम आया है बग्गा काफ़ी हद तक क्लियरिटी ले आता है लेकिन कभी कभार वो डॉलर के चक्कर में ऐसे थंबनेल और टाइटल डाल देता है लेकिन अगर सबसे ज़्यादा एक्टिंग आई है तो आपके अंदर ऐसे बग्गा से याद आया दर्शकों बग्गा का भी कोई वीडियो नहीं आया तो कहीं बग्गा बग्गी उनकी मतलब ससुराल वाले लोग फिर से कहीं घूमन घामन तो नहीं निकल गए क्योंकि देखिए अब तक तो आ जाना चाहिए और हो सकता है कि कोई ऐसी जगह घूमने गए हो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो जैसे कि लास्ट टाइम ट्रैकिंग पे गए थे तो वहाँ पर भी ये वीडियो दो दिन ही बाद डाल पाए थे क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट दर्शकों यही लग रहा है अदरवाइज़ वग्गा वीडियो ना डाले ससुराल में रह के या फिर अगर आ भी गया होता वापसी भी हो गई होती तो भी ना वीडियो डालता ही डालता तो अब इससे यही लग रहा है कि देखिए दीदी का ब्रेक तो बनता है अब पति से पैसा जो हर महीने वसूलना है और प्लस बग्गा को भी छुपाना है कि बग्घा आवा है कि नहीं आवा है हुँ? नहीं तो पूरे वीडियो में कहीं बग्गा की आवाज़ नहीं आएगी तो लोग सोचेंगे बग्गा तो हाँ नहीं, है ही नहीं हैं तो भाई हो सकता है हमारे जिजी ज़्यादा पुरानी वीडियोस नहीं रखती है बैकअप में वो नए नए बना देती है तब इनसे तो बग्गा का तो कभी झूठ की दीवानी को पट्टी खुल जाती है तो अब ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि बग्गा एक बार फिर से फिर से उड़ चला अब कहाँ उड़ा है अपनी मैना को तो साथ ले गया है साथ में मैना की फैमिली भी है अब बग्गा घूम घुमाए के आएगा मतलब फिर से छुटकन्नी जी जी मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया जो भी लिखा था वो बड़कन्नी ने मम्मी ने मिला के बहा दिया है जो भी समझ लो बाकी इनकी भी गलती है पर भाई ये नई नई इनकी शादी हुई थी बाकी एक्सपीरियंस लोग तो घर में थे इनको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो मम्मी जी का और बाकियों का वो था ना कि उसको किस प्रकार से आप समझाओ लेकिन नहीं वहाँ पे तो फ़ायदे उठाए गए तो भाई ये बग्गा का ये भी क्लियर हो चुका है कि बग्गा अभी आवा नहीं है और अगर आवा होता तो वीडियो ना दिखाता हो नहीं सकता चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो चाहे कोई मुँह फुलाए बैठा हो लेकिन वीडियोज़ आते थे याद करिए जब छुटकन्नी जी से इनका सबका थोड़ा दूरी हो गया था मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ मजबूरी हो गई थी तो वीडियो जाना एकदम बंद स्टॉप याद है छटकन्नी के लेकिन बग्गा के लगातार आ रहे थे बार बार आ रहे थे मार्केट जा रहे हैं हम ये बना रहे हैं हम वो खा रहे हैं बग्घी की तबीयत ख़राब है तो मैं खिचड़ी बना रहा हूँ हु, लोगों को बना रहा हूँ याद आवा याद आ गया होगा उम्मीद करती हूँ तो ये सारी चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि बग्गा अभी ससुराल नहीं आया है और एक बार फिर से वो आंचल को लेके ही आएगा क्योंकि उसने बोला था मम्मी जी के आने से पहले मैं वापसी कर लूँगी मम्मी जी को भी बहुत याद आती है और अब तो ज़्यादा ही याद करती हैं जब से मैं आ गई हूँ <laughs> अब इतने डिस्कशन जो होते हैं तो याद तो होंगी होंगी मम्मी जी याद तो करेंगी करेंगी तो भाई साहब अब बग्गा इतने दिन जब रुकिन लिया है आज तेईस बाईस तेईस तारीख हो गई है तेईस तारीख हो गई है है ना अब तीन चार दिन और रह लेगा क्योंकि छः तारीख से पहले आना है फिर चला आएगा हैं अब या तो फिर दो चार दिन वापसी करेगा फिर से लेने चला जाएगा फिर दो चार दिन घूम घुमा के आएगा कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी अमरीज जी अकेले हुँ? काश की बड़कन्नी की ना सुनी होती काश की मम्मी जी की ना सुनी होती जब उनको शादी करनी थी तब इन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी थी ना बड़कने की सुनी ना मम्मी जी की सुनी बोला कि ना मैंने ये लड़का सेट कर लिया है मुझे इसी लड़के से शादी करनी है मतलब करनी है लेकिन बाद में फिर इन्होंने सबकी सुनी क्यों सुनी यही मैं कहना चाहूँगी कि नहीं सुनना चाहिए था अगर नहीं सुना होता तो आज कहानी कुछ और होती रिजल्ट कुछ और होता कुल मिला के जिज्जी अकेले है कई बार यार बहुत दया आती है कि देखो सब अपनी अपनी जिंदगानियों में व्यस्त हैं यहाँ तक कि मम्मी जी भी जिनको इस समय सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए था अपनी छोटी बेटे के लिए क्योंकि तुम्ही लोगों ने यह सब करवाया है तो छोटी बेटे के लिए सोच करके आप थोड़ा सा उसके लिए खड़े रहते हुँ? लेकिन नहीं मम्मी जी को तो अपने सुख से सुख अपने दुख से दुख जब बच्चे सुनते नहीं तो झूठ की दीवानी से लड़ाई लगाते हैं भले बग्गा की तारीफ कर देती कि ना बग्गा मुझे बहुत ही मानता है बग्गा मेरे बिना चैन सुकून से नहीं जी पाता है बग्गा मेरे लिए केयर करता है वो देखिए ऑन कैमरा दिखाना होता है ना कि जिज्जी की बातों का कोई यहाँ पर वो नहीं पड़ा प्रभाव वगैरह आज भी मैं बग्गा को उतने प्यार करती हूँ बग्गा मुझे उतने प्यार करता है बग्गा को जताना ज़रूरी है ना कि तू तो मुझसे बहुत प्यार करता है नहीं तो भाई बग्गा कहीं अपनी बीबी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेगा इनकी सबकी हरकतें देख के तो भाई साहब समस्या हो जाएगी इसलिए जानबूझ के ये स्क्रिप्ट मम्मियों के मुँह से निकलती है खासकर इस मम्मी से कि हाँ बग्गा मेरे लिए वो बग्गा मेरे लिए वो हैं कभी दुपट्टा का इतना नाम नहीं लिया जाता उसका गाहे बगाहे ले लिया जाता है कि चलो वो भी घर के सदस्य हैं और बग्गा को कहीं इस बात का बुरा ना लग जाए या फिर बग्घी कहीं मत चुगली ना कर दे लुकड़ी ना लगाए दे कि देखो आज भी तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करें एक्सेप्टेंस जिसके बाद छुटकन्नी जज कहती थी तो बग्गी को कहाँ मिली है जी नहीं सुविधा अनुसार ये सारे लोग बग्गी के बारे में बात करते हैं चाहे वो झूठ की दीवानी हो चाहे मम्मी जी हो अब छुटकन्नी का तो जब मिल रहा होता है बन रहा होता है तब वो सब मेल मिलाप रहता है ये रहता है दांत काटी रोटी लेकिन जैसे का कभी बिगड़ बिगड़ जाता है बग्घी के साथ तो फिर भाई साहब उधर भी नहीं होता है कि ना 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 ऐसी बात नहीं है ठीक है मैं अकेली हूँ मैं फलाने हूँ मैं धमाके करना तो मुझे अकेले ही है ये सारी बातें छुटकन्नी भी लेके कर आ जाती हैं कब होता है जब बग्गी उनके सुविधा अनुसार एक्ट करती है बग्गी उनके कहे अनुसार परफॉर्मेंस देती है बग्गी जब सारी चीज़ें ऐसे करती है जैसे जिज्जी चाहती है तो बग्गी के लिए भी जिज्जी खुश रहती है फिर दो चार फट दे देती है हुँ? तो कुल मिला के के सारे लोगों का अभी यही स्टेटस है बड़कन्नी जिज्जी पूरे तरीके से लाभ उठा रही है दोनों के अब प्रेजेंट है नहीं दोनों की तो दोनों के एब्सेंस में बड़कन बरकन्नी मार वीडियो पे वीडियो मार वीडियो पे वीडियो तीस मिनट इकतीस मिनट पैंतीस मिनट के लाए लाए के डॉलर कमा रही है बग्गा की दूसरी मजबूरी आउट ऑफ नेटवर्क वरना वो भी डालता और छोटकन्नी जी जी ऑलरेडी हमारे ब्रेक पे समझ रहे हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है छोट की दीवानी को मतलब यूट्यूब की निर्माता निर्देशक डायरेक्शन डायरेक्टर डायरेक्शन जो भी समझना है सब समझ लो आज कल सब उन्हीं का है दोनों हाथ में लड्डू इधरों छुट्टी पे उधरों छुट्टी पे तो हम ना बनाए बनाए बातें मम्मियों से ऐसी ऐसी विवादित बातें मिलियन डॉलर बातें जिस पे लोग ना आए के यहाँ पर रिएक्ट करें एक्ट करें <laughs> तो भाई ये था तीनों चारों का यहाँ पर आज के डेट का अपडेट ऐसा हो सकता है अब हम लोग मिस्टर इंडिया मिसेज इंडिया तो है ना कि आंखें बंद करके इनके पीछे बैठे हैं दिख रहा है सब कुछ जैसे वो गाली गलौज वाले चैनल करते हैं ऐसा हमें नहीं ना पता है बस एक अजम्पशन जो कि इनके इतिहास गंवा रहा है उनसे मिलता जुलता है ना क्योंकि ऐसा ही करते हैं जब भी ऐसे वाले सिचुएशन में होते हैं बाकी कुछ लोगों ने भाई ये भी लिखा है कि झूठ की दीवानी इस बार तुम जाओ मदर इन लॉ का हाउस बहुत गंदा है जैसे यहाँ तुम सफाई सफुई किया करते हो साफ सफाई करके आओ और काधे ज़्यादा लोग हमरे जो है जिज्जा जी का ही पूछ रहे हैं नोना जिज्जा को वर इज नोना जिज्जा हम्म तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी नोना जिज्जा ऑफ कैमरा रहते हैं नोना जी जो बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं वो नोना जिज्जा के बारे में पूछा करते हैं लेकिन नोना जिज्जा ऑफ कैमरा वाले इंसान हैं वो सिर्फ ऑफ कैमरा स्क्रिप्ट देते हैं ऑफ़ कैमरा क्या बातें करनी किसको कैसे बोलना ये सारी चीज़ें बताते हैं तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही चैनल पे नए तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कर जाइएगा अपने मनोभाव ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि जो कुनबावासी हैं जैसे कि बग्गा बग्घी कहाँ किधर अरे चाची तुमसे नहीं पूछन जाओ जाओ नहीं हमें आपसे नहीं जानना है नहीं जानना है टरू वाली चाची हैं कह रही हमें पता है हमें पता है हम तो सब जानते हैं ये टरु वालों के ना कुछ अंता चछू ज्यादा खुले होते हैं ना आँखें बंद करते हैं समझ जाते हैं कि इनकी छोटक जी जी कहाँ कर रही है बग्गा बग्गी कहाँ पर है अरे टरू वालन का हम का ही बताएं हम का माफ़ी दे दो तो हमको नहीं सुनना है ना हम टरू वालों को सुने और ना ही जो गाली गलौज वाले लोग हैं उनको सुने तमाम लोग बोलते हैं गाली गलौज वालों ने ये बोला वो बोला पर उधर सुनने जाना नहीं होता है क्यों क्योंकि हमें काल्पनिक बातों से कोई लेने देना नहीं होता है, है? तो तुम वीडियो के बेस पर कोई बात करो तो सुन भी लें तुम पर्सनल चीज़ें कहाँ से लेके आते हो मुझे उससे कता इतना भी इंटरेस्ट नहीं और ना ही मुझे पर्सनल बातें करना अच्छा लगता है हाँ वीडियो में अगर आपने पर्सनल बातें करी हैं तो इट्स योर चॉइस है अब हम क्या कर सकते हैं अगर तुमको अपनी पर्सनल बातें यहाँ बेचने का शौक है तो हु? हम तो कितनी बार बोलते हैं कि जिज्जी पर्सनल बातें नहीं बताने का जिज्जी पर्सनल बातें नहीं बताने का लेकिन हमारे जिज्जी लोग मानता ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए दर्शकों आप लोग <laughs> चलिए खैर छोड़िए अभी के लिए इतना है चाची बाय बाय नहीं देखो चाची हमें सुनना ही नहीं ना 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 बिल्कुल इतना भी नहीं सुनना कह रहे बेटिया इतने सुन लो ये टरू वाले नाचपीटे ना बिना बताए इनके खानों नहीं पसता है तो ना सुनो तो भी कमेंट कर जाते नहीं चाची अंशम आप ऐसी बातें ना हमको सुनना है ना ही बोलना है चलिए जी अभी के लिए इतना ही टाटा बाय बाय